अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज की वीडियो में हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट देखते हैं, तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बात कर लेते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट हो तो हम उसे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। तो आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं और आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करते हैं। मुझे मालूम है कि आपको मेरी बात सुनकर कंफ्यूजन हुई है, तो फ्रेंड्स आइए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसके सिंटैक्स में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक इफ एल्स स्टेटमेंट ये है और सेकेंड इफ एल्स स्टेटमेंट ये है। तो फ्रेंड्स आइए बात कर लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। इसमें सबसे पहले इसकी कंडीशन चेक होगी। अगर हमारे पास इफ ट्रू होगा तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर हमारे पास ये इफ फॉल्स होगी इसकी स्टेटमेंट, तो हमारे पास एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो फ्रेंड्स अगर इफ ट्रू हुआ तो सबसे पहले हमारे पास इसकी बॉडी में जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास इसकी कंडीशन चेक की जाएगी। अगर हमारे पास इसकी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर हमारे पास इसकी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से इसका एक और सेंटेक्स है, तो आइए इसका एक और सेंटेक्स देख लेते हैं। इस सेंटेक्स में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक इफ एल्स स्टेटमेंट ये है और सेकेंड इफ एल्स स्टेटमेंट ये है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास एल्स की बॉडी के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट मौजूद है। तो फ्रेंड्स आइए बात कर लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास इसकी कंडीशन चेक होगी। अगर हमारे पास इसकी कंडीशन ट्रू है तो ये हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एल्स के पास आएगा। एल्स के पास आने के बाद ये एल्स की बॉडी में जो स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद ये इसकी कंडीशन चेक करेगा। अगर हमारे पास इसकी कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हमारे पास इसकी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास एल्स की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो फ्रेंड्स आइए अपने कोडिंग वाले पार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं अपनी पाइथन आईडीएली में। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपनी पाइथन आईडीएली में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेक्स देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेक्स में हमारे पास क्या था कि हमारे पास इसकी बॉडी के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट थी। तो फ्रेंड्स आइए फर्स्ट सेंटेक्स देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इसकी कंडीशन लगाते हैं। हम चेक करते हैं कि हमारे पास 7 जो है वो ग्रेटर देन है 5 के। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो तो प्रिंट करे फर्स्ट इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो तो हमारे पास एल्स की बॉडी में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे फर्स्ट इफ कंडीशन इज फॉल्स। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी बॉडी के अंदर हम एक और इफ एल्स स्टेटमेंट टाइप करेंगे। तो हम इसकी कंडीशन लगाते हैं। हम चेक करते हैं कि हमारे पास 6 जो है वो ग्रेटर देन है 3 के। अगर हमारे पास कंडीशन 2 हो तो प्रिंट करें सेकंड इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स के पास है। एल्स के पास आने के बाद ये प्रिंट करें सेकंड इफ कंडीशन इज फॉल्स। तो आइए इसे सेव करके रन करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पास मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू एंड सेकंड कंडीशन इज ट्रू। तो आइए समझ लेते हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। इसमें सबसे पहले तो चेक हो रही है इसकी फर्स्ट कंडीशन। इसकी फर्स्ट कंडीशन में चेक कर रहा है कि 7 ग्रेटर देन 5 के है, तो ये हमारे पास कंडीशन 2 है।
कंडीशन ट्रू होने की वजह से हमारे पास प्रिंट कर रहा है कि फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। उसके बाद इफ की बॉडी के अंदर आता है, इफ की बॉडी में ये इफ की कंडीशन चेक करता है। इफ की बॉडी के अंदर आने के बाद ये कंडीशन चेक कर रहा है कि 6 > 3 है, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से हमारे पास मैसेज डिस्प्ले कर रहा है सेकंड कंडीशन इज ट्रू। तो फ्रेंड्स, अगर हम सेकंड कंडीशन को फॉल्स करते हैं, फिर चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड इफ की कंडीशन को फॉल्स करेंगे, सेव करके रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर आउटपुट आ रही है फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू एंड सेकंड कंडीशन इज फॉल्स। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि सबसे पहले चेक हो रहा है फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन 7 > 5 है, तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से हमारे पास मैसेज डिस्प्ले कर रहा है फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। उसके बाद ये हमारे पास इफ की बॉडी में आएगा, इफ की बॉडी में चेक कर रहा है कि इफ 6 > 3 है, तो ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हमारे पास एल्स की बॉडी में आएगा, एल्स की बॉडी में आने के बाद हमारे पास मैसेज डिस्प्ले करेगा सेकंड कंडीशन इज फॉल्स। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास मैसेज डिस्प्ले हो रहा है सेकंड कंडीशन इज फॉल्स। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अब हम इसका सेकंड सेंटेक्स देख लेते हैं जो हमने स्लाइड्स में देखा था। सेकंड सेंटेक्स में हमारे पास क्या था कि हमारे पास इफ सेल्स की जो नेस्टेड इफ सेल्स स्टेटमेंट थी वो हमारे पास एल्स की बॉडी में थी, तो आइए अब इसको एल्स की बॉडी में पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसकी कंडीशन को ट्रू कर देते हैं, इसे सेव करके रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास मैसेज डिस्प्ले हो रहा है फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। तो आइए समझ लेते हैं कि किस तरीके से मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास इसकी कंडीशन चेक हो रही है, इसमें चेक कर रहा है कि 7 > 5 है, तो हमारे पास कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से हमारे पास मैसेज डिस्प्ले कर रहा है फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। तो फ्रेंड्स, कंडीशन ट्रू होने की वजह से ही हमारे पास ये कोड फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद टर्मिनेट हो रहा है और ये एल्स की बॉडी में नहीं जा रहा। तो फ्रेंड्स, आइए फर्स्ट कंडीशन को फॉल्स करते हैं, फिर चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो आइए फर्स्ट कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, यहाँ पर इसे सेव करके रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास आउटपुट आ रही है फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, सेकंड कंडीशन इज ट्रू। तो आइए समझ लेते हैं कि हमारे पास किस तरीके से आउटपुट आ रही है। इसमें सबसे पहले इसकी कंडीशन चेक कर रहा है, इसमें चेक कर रहा है 7 > 5 है, तो ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हमारे पास एल्स के पास आएगा, एल्स के पास आने के बाद ये प्रिंट करेगा, उसके बाद ये हमारे पास इसके पास आएगा, इसके पास आने के बाद ये चेक कर रहा है कि 6 > 3 है, तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से हमने इसे कहा था कि आप प्रिंट करें सेकंड कंडीशन इज ट्रू, तो आप आउटपुट पे देखेंगे कि हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो रहा है सेकंड कंडीशन इज ट्रू। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।